देखिए, जो एट्रोसिटी एक्ट का जो जजमेंट आया है पूरी तरीके से जो सरकार की जो मंशा है डायरेक्ट हमें दबाने की, क्योंकि अभी उससे पहले एक बहुजन समाज और समाज जो समाजवादी पार्टी कहने के जो सामाजिक न्याय के दो प्रोधा आपस में मिले, तो ऐसी ताकतों का मिलना इस देश के अंदर जो सरकार को खलता है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करते, तो जुडिशरी के माध्यम से उन्होंने जो एक्ट में ऐसे परिवर्तन करवाया और उसके द्वारा क्या पूरी तरह जो SC ST अपने हित में, अगर उनके संरक्षण में हित था तो उन्हें काटने के लिए ऐसा कानून लाया, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं एक हो जाए, तो उसकी ये मंशा है कि जो वो चाहते नहीं ये एक हो पाए, तो उनको दबाने के लिए ऐसी कोशिश की गई। और आप देखते हैं कि ऐसे समय समय पर ऐसे कानून लाए जाते हैं कि और एक आप देखिए इस देश के अंदर SC ST पर वैसे इतने दमन बढ़ते जा रहे हैं। अगर सरकार को लगता है कि कुछ करना चाहिए कम, तो बल्कि उस कानून को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए कि ऐसी समस्याएं ना हों। सुरेंद्र सिंह जी, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करीब 137 के करीब हैं और 445 वो हैं और एक आपके दलित समाज से राष्ट्रपति हैं, उनके होते हुए भी इस संविधान के अंदर जो धारा है उनके अंदर इस तरह का अमेंडमेंट हो रहा है। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो दलित समाज तो नाम मात्र के हैं, वो उस पार्टी के व्यक्ति हैं, उस पार्टी के सांसद हैं, और जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भी आप समझ लो किसी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर वो देश के प्रतिनिधि होते तो कम से कम देश के अंदर जो ऐसी बात होती तो वो उसका जवाब देते। वो अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं दलित समाज से आए हुए व्यक्ति हूँ, अगर उनको इतना ही दलित समाज का दर्द है तो जो SC ST एक्ट आया उस पर तुरंत उसको कार्रवाई करनी चाहिए, माननीय हमारे राष्ट्रपति जी को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो अब तक उन्होंने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ये माना जाए कि जैसे कि पहले जो हमारे जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो इतना जानते थे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है और जो संविधान के अंदर धारा लिखी है वो हमारे लिए लिखी है, और उनका मानना था कि जो संविधान की तरफ देखेगा उसकी आँख निकाल लेंगे, उसकी उंगली तोड़ देंगे। उन बुजुर्गों ने संविधान की धाराओं को चेंज नहीं होने दिया, लेकिन आज जो जो दो दो लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बंगलों के अंदर रह रहे हैं, AC के अंदर रह रहे हैं, उनके होते हुए ये संविधान की धाराओं को चेंज किया जा रहा है। पहले लोग ठीक थे या आज के लोग ठीक हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। सर, लोग तो समस्या है कि पहले भी ठीक थे और अब भी ठीक है, लेकिन अनपढ़ लोग संविधान को टच नहीं होने दिया। मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि जो आज के जो समाज का जो व्यक्ति, खासकर बहुजन समाज दलित समाज का व्यक्ति है, वो अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में ज़्यादा लिप्त हो गया है और उस वजह से वो समाज की तरफ कम देखने लगा है, क्योंकि मैंने देखा कि जिस समाज का पेट भर जाता है वो समाज से दूर हो जाने की कोशिश करता है, और यही शायद एक कमी है कि ऐसी जो सरकार कुछ भी करे जा रही है और उनको पता है कि ये समाज अब सो गया है, क्योंकि बाबा साहब एक जगह गए थे कि दोबारा अब यहाँ पे जो सरकार ने ऐसी लगी उनको सुला दिया है और ये सोए समाज पर फिर से वो प्रहार कर रहे हैं, उनको क्योंकि वर्तमान समय उनको डर नहीं लग रहा है कि हमारे समाज में कुछ व्यक्ति हैं जो आगे आ रहे हैं और जो कुछ व्यक्ति आते हैं उनको समर्थन नहीं मिलता, तो ऐसी ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो ये सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के जो लोग हैं जो संविधान के तहत जीत कर आए हैं, उनके बंगलों पर, उनके घर पर उनसे क्वेश्चन किए जाए या ना किए जाए कि भाई आप दलितों के वोटों से जीत कर आए हो, आप दलितों की बातें करते हैं, लेकिन आज इस तरीके से संविधान पर अटैक हो रहा है, आपकी क्या योगदान है, आप इसको कैसे रोका जाएगा? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि जितने भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, दलित समाज के प्रतिनिधि हैं, उन पर क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाबा साहब द्वारा संविधान नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर सांसद क्या एक कोई सरपंच भी नहीं जीत पाता जी। तो ये योग्यता उनकी कोई अपनी योग्यता नहीं है, संविधान की योग्यता है और बाबा साहब की योग्यता है, बाबा साहब का दिया हुआ कानून है कि जिसके द्वारा वो आ रहे हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की रक्षा करें और जो हम सामाजिक न्याय के साथ जो गलत हो रहा है उसकी रक्षा, और जो बहुजन समाज दलित समाज के साथ गलत हो रहा है उनके हितों के लिए वो संसद में पहुँचे। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनको नैतिकता के तौर पर से खुद हट जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि कम से कम सारे सांसदों को, जो दलित समाज के सारे सांसद हैं, उनको एकजुट होकर सरकार के समक्ष एक दो उनका धरना प्रदर्शन करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, उन्होंने साफ कहना चाहिए कि अगर आप SC ST एक्ट को अगर पुनः वापस पुरानी तरीके से मजबूत नहीं करेंगे तो हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारे चुने गए प्रतिनिधि है, हमारी उम्मीदें उनसे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर संसद में नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि गए हैं हमारी आवाज़ वो उठाएंगे, अगर वो नहीं उठाते तो कम से कम उनको विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दबाव डालना चाहिए सरकार पर कि वो इस कानून को फिर से मजबूती की ओर ले जाए, ना कि जो ऐसे कमजोरी की।
की ओर। सुरेंद्र जी, आप युवा हैं और आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपका और आपके समर्थकों का और जो आपकी संस्था है, आपका क्या योगदान रहेगा इस जो एट्रोसिटी मामले में? सर, अभी हमने इस मुद्दे पर कई जगह बात करी है, कई मीटिंग करी है, तो हमारा अब तो यही है कि इसके एक हमारा जन समर्थन हम तैयार कर रहे हैं, जगह जगह अवेयरनेस फैला रहे हैं कि एक बड़े धरने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और सरकार पर पीआईएल द्वारा अन्य स्रोतों द्वारा भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम इस पर किसी और अपनी संस्था के द्वारा किसी और के द्वारा इसमें कोर्ट केस भी करेंगे और अलग अलग जो भी हम करेंगे इस पर वापस इसे पुनः बहाल करने की कोशिश करेगी, पुनः मजबूती करने की कोशिश करेगी और हमारा और पूरा यूथ फोर्स ऑफ जस्टिस इसको पुनः वापस उसी ताकत के साथ इसको लाना चाहेगा। धन्यवाद सर।